फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम आए रेडिसन ब्लू में, जम्मू में, और आज यहाँ पे है, जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हो, करवा चौथ स्पेशल नाइट। यहाँ पे स्पेशली उन्होंने एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया हुआ है कपल्स के लिए, करवा चौथ स्पेशल नाइट है यहाँ पे। आप देखिए कितना अच्छा इनका, जैसे आप एंटर करते हो इन्होंने एक सेल्फी पॉइंट टाइप बनाया हुआ है, कितना अच्छा डेकोरेशन है, रोज पैटर्न वगैरह। ये थाली जो सिंबल है करवा चौथ का, एक कपल के लिए जो एक लेडी है उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है ये, जब वो चार निकलता है उसमें देखते हैं। तो पूरा एक अच्छे वे से मुझे पूरा उनका जो सेटअप है काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, काफ़ी अट्रैक्टिव लगा। तो आते ही आपको, मुझे आते ही इतना अच्छा यहाँ का एक एम्बियंस, एक पूरा व्यू मिल गया है, तो यहाँ पे सेल्फी पॉइंट मिल गया, ये आते ही मेरा दिल खुश हो गया। तो चलिए अब अंदर चलते हैं रेस्टोरेंट में, देखते हैं कि स्पेशल नाइट में करो, स्पेशल नाइट पे आए यहाँ पे, खाने में क्या क्या हो, कैसा अरेंजमेंट रखा हुआ उन्होंने अंदर, क्या वाकई में कपल थीम रखी हुई है, कपल के लिए क्या क्या अट्रैक्टिव यहाँ पे है और क्या क्या मिलने वाला है। तो हम चलते हैं अंदर, देन देखते हैं कि अंदर क्या क्या। तो ये है इनका रेस्टोरेंट ब्लू पैन, यहाँ पे पूरा जो कपल थीम जो स्पेशल नाइट है करवा चौथ नाइट है उसके लिए इन्होंने पूरा जो बनाया हुआ है जो यहाँ पे पूरा डेडिकेटेड है, जैसे देख सकते हो आप, जैसे आप एंटर करोगे ये टेबल्स है, टेबल पे देखिए कितनी अच्छी डेकोरेशन वगैरह है। आप यहाँ पे टेबल पे रोज़ पैटर्न वगैरह देख सकते हो, ये हार्ट शेप बैलून यहाँ पे हर टेबल में मिलेगा। इनफैक्ट यहाँ पे सिर्फ एक टेबल पे नहीं है, और जो इन्होंने पूरा टेबल डेकोरेट किया हुआ ना, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा ना एक क्यूट सी फीलिंग आ रही है देख के ना। ऐसे एक कपल जब यहाँ पे आएगा पूरा दिन फास्ट करके, जब लेडी यहाँ पे आएगी, जब कोई यहाँ पे आकर उसको सरप्राइज देगा, उसका लवर्ड वन, उसका बेटर हाफ या उसका लव वन, तो सीरियसली उसका दिल खुश होने ही वाला है ये देख के ना, इतना अच्छा यहाँ से पूरा इन्होंने बनाया हुआ है। मैं आपको यहाँ का ओवरव्यू दे देता हूँ पूरे रेस्टोरेंट का, कुछ इस प्रकार से है ये ओवरव्यू ना, ये मैं ऐसा ऐसा आपको सब क्लियर करते जाऊँगा कि क्या क्या है यहाँ पे, कैसा क्या सिस्टम है। तो ये हर टेबल पे आपको दिखेगा ना, हर टेबल पे आपको देखिए बैलून वगैरह, रोज़ पैटर्न वगैरह हर टेबल पे दिख जाएंगे। पूरा टेबल इन्होंने पूरा इन्होंने एक प्यार का, तो कह सकते हो एक प्यार का लव के लिए पूरा डेडिकेटेड रखा हुआ है, प्यार के प्रतीक के लिए इन्होंने बनाया हुआ है। स्पेशली जो उन्होंने लिखा था कर रहा था स्पेशल नाइट, वो पूरा जस्टिफाई हो रही है। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं यहाँ के ये मैनेजर के पास, जो एफएनडी के मैनेजर है अमित जी, उनसे बात करते हैं और जानते हैं पूरी थीम के बारे में कि क्या स्पेशल है आज की नाइट पे और क्या है ये करवा चौथ स्पेशल नाइट। तो चलिए चलते हैं, ये है हमारे पास अमित जी। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार। तो सर, हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको बता दीजिए, आज जो करवा चौथ स्पेशल नाइट है ये क्या है, ये थीम जो आपने रखी है, थीम में क्या क्या मिलने वाला है कपल्स को, और थीम में क्या ओवरऑल जो क्या है कॉन्सेप्ट क्या है। थैंक यू सर। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि नाउ डेज कोरोना चल रहा है, तो कोरोना को मद्देनजर रखते हुए हम लोग ऑल द कोविड प्रोटोकॉल मेंटेन कर रहे हैं फॉर द गेस्ट सेफ्टी पर्पज। और आज हम लोग जो है रोमांटिक थीम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं फॉर द जम्मू वासी जो है, क्योंकि करवा चौथ एक ऐसा फेस्टिवल है जो ऑल द वीव्स लाइक वाइफ दे डू द फास्टिंग, दे वर्शिप एट होम फॉर देयर बेटर हाफ, फॉर देयर बेटर लाइफ। तो उनका जो भी हस्बैंड रहेगा तो उनको खुश करने के लिए वो लोग यहाँ पे लेके आएंगे, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे रोमांटिक थीम्स करें, एज वेल एज आप बाहर देखे होंगे ऑलरेडी, उसके साथ हमारे नाइस सिंगर भी है, खाना भी है वेरियस टाइप्स ऑफ। तो खाने में कैसा रहेगा, जैसे आज यहाँ पे बुफे रहेगा या अलाकार्ट रहेगा, वो थोड़ा बता दीजिए। बहुत ऑप्शन इंटू है, अलाकार्ट भी है, बुफे भी है। बुफे पे हम लोग स्टार्ट करेंगे वेलकम ड्रिंक से, या फिर नाइस लेमन वाटर है, उसके बाद लाइक माउथ वाटरिंग आपका सूप है, सूप में आप चिकन गम्बो सूप है यहाँ पे, चिकन गम्बो सूप। हाँ, तो वेज में भी हमारा मंचाव सूप है जो जम्मू वासी बहुत लाइक करते हैं यहाँ पे। ये बिल्कुल एक बिल्कुल जो जम्मू वालों का लाइक फेवरेट रहता है मंचाव सूप वो है ये। तो यहाँ ब्रेड्स वगैरह भी साथ में, जैसे ब्रेड स्टिक्स है तो ये आ गया सूप। तो सूप के साथ साथ क्या क्या है यहाँ पे? सूप के साथ साथ हमारे यहाँ पे वैरायटी ऑफ स्टार्टर है, स्टार्टर है, लेमन पनीर है, या फिर पनीर है, लेमन पनीर है, चिली चौप है, उसके बाद आपका सब्ज मेथी सीख कबाब है, चिकन रोल है, वो डू हैव इन नॉन वेज लाइक ऑल द ऑप्शंस, पेपरिका चिकन जैसे फिश टिक्का मैं यहाँ पढ़ पा रहा हूँ, ऑस्ट्रिच चिकन, पुदीना लैम्ब, सीख कबाब, मतलब ये सब कुछ है यहाँ पे। मतलब कि अगर आप देखें तो मैंने जितना मतलब स्टार्टर या कितना मैंने वो देखा सूप वगैरह देखा, उससे मुझे यहाँ पर ये सिर्फ एक मेन्यू नहीं, कॉन्टिनेंटल भी है यहाँ पे,
है ना, सब कुछ हमने बहुत तीन चार कॉन्टिनेंटल ओरिएंटल इंडियन इंडियन में वैराइटीज है, आउदी साउथ इंडिया कॉन्टिनेंटल में आपका मैक्सिकन है, उसके बाद लेबनीज है, और आपका ओरिएंटल में आपका थाई है, जापानीज है, मंगोलियन है, ऑल द वैराइटीज है, यहाँ पर कोई भी आ रहे हैं उनके चॉइस के हिसाब से खास है। आप एक आप फ्रेंड देख सकते हो एक ही जगह पे इतने बुफे में इतनी ज़्यादा आपको खाने की वैरायटी मिल सकती है। ये तो हाँ यहाँ पे स्टार्टर, तो चलिए चलते हैं मेन कोर्स की तरफ। प्लीज तो वहाँ पे मैं थोड़ा बता दी मेन कोर्स जो हमारे लोग गाइड करेंगे मेन कोर्स में कैसे कैसे रहेगा। मेन कोर्स में सबसे पहले दिस इज फ्रॉम कॉन्टिनेंटल एक्चुअली, ओके, बटर गार्लिक चीज, ओके, तो जो हेल्थ कॉन्सियस है दे कैन गो फॉर दिस कॉन्टिनेंटल। एज वेल एज वी हैव इन इंडियन मूंग हंडी लजीज, ओके। देखिए फ्रेंड कितना लजीज लग रहा है ना, देख के टेम्पटिंग लग रहा है, इतने ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा है, मैं क्या कहूँ। और एकदम देसी आपका जो है मटन यहाँ पे है, और ये मटन आ गया मटन, खड़े मसाले के मटन। देखिए नाम कितना ना ऐसे देसी सा रखा हुआ यार, नाम देख के ही ना ऐसे लग रहा है देसी बन अपने आप में टच आ रहा है कि नाम देख के खड़े मसाले का मटन, ये मटन था। और इसके साथ जो है मशरूम फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पे ये देख रहा हूँ, ये ट्राई करूँगा, फर्स्ट टाइम है ये मेरी फर्स्ट एक्सपीरियंस है इस चीज़ का, देखने में बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा है। ये सारा मेन कोर्स है फ्रेंड्स मैं बता दूँ, तो ये था ये वेज आ गया, अब ये सारा वेज है। वेज से स्टार्ट करेंगे हम लोग, कोफ्ता है यहाँ पे, कोफ्ता है, नदरू यखनी भी है यहाँ पे। यार देखिए प्रॉपर ऑथेंटिक लग रहा है ना ये नदरू यखनी का, जो उसका ऊपर प्रॉपर जो टेक्सचर वगैरह ये प्रॉपर लग रहा है कि हाँ कि लग रहा है कि ऑथेंटिक है ये। आपको टेस्ट भी करके बताएंगे, सिर्फ आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कि क्या क्या यहाँ मिल जाएगा, उस पर टेस्टिंग भी होगी यहाँ प्रॉपर। मिक्स वेजिटेबल्स है ये, तो ये रहता है यहाँ पे पनीर बटर मसाला, ये आ गई लहसुनी दाल तड़का, और ये राजमा। देखिए यार मैं आपको एक छोटा सा देख बताता हूँ राजमा की ऊपर से, ये देखिए ऊपर जो इसके तड़का डाला हुआ उन्होंने, जो यार जो उसकी खुशबू आ रही है ना ज़बरदस्त, देखो इतनी अच्छी खुशबू थी, मैं रहा मेरे से रहा नहीं गया, मैं इसको स्टर किए बिना मैंने स्टर किया स्पेशली। ये आ गया पेपर फ्राइड राइस, पेपर फ्राइड राइस ये आ गया ये, और ये प्लेन राइस अगर किसी को वो नहीं खाने तो प्लेन राइस यहाँ पर इंजॉय कर सकते हो। प्लेन राइस देखिए ना बनाना लीफ में रखे हुए हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ लगी मुझे। ये इसका थोड़ा कंसेप्ट बता दीजिए शेफ वगैरह। ओके दिस इज दिस इज ओरिएंटल ऑल द एक्सोटिक ओरिएंटल वेजिटेबल व्हिच इज कुक्ड इन हुनान सॉस। हुनान सॉस इज अ कंपाउंड ऑफ सोया सॉस एंड विनेगर चिली तो अगर फ्रेंड देखिए अगर आपको कुछ डिफरेंट खाना है पहली बार कुछ इन्जॉय करनी है तो ये चीज़ आपके लिए बनी हुई है। ये देखने में काफ़ी अच्छी लग रही है, जैसे ब्रोकली वगैरह मुझे इसमें दिख रहा अभी ना यहाँ से, तो बाकी जब टेस्ट करेंगे तब आपको बताएंगे। तो ये आ गया वेजिटेबल हाका नूडल्स, हाका है ये नॉर्मल नूडल्स नहीं है, ये हाका है। तो ये था सारा यहाँ का मेन कोर्स, तो मेन कोर्स तो हमने देख लिया, मेन कोर्स विदाउट सैलेड अधूरा है, तो ये सारा सैलेड का ज्यादा सेशन है। तो सर हमें थोड़ा सैलेड थोड़ा बता दिए, सब हमने रॉ रखा हुआ है, तो ये क्या है? ये ऑल द एसोर्टेड सैलड्स हैं, लाइक ग्रीन ऑनियंस, ग्रीन चिल्ली, टोमेटोस, एंड देयर इज अ ड्रेसिंग, सो ऑल द सैलड्स सर्व विद अ ड्रेसिंग। ड्रेसिंग विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, दिस इज मस्टर्ड मेयर ड्रेसिंग, ओके, कॉकटेल ड्रेसिंग, हनी चिली ड्रेसिंग, सो दिस दोस ड्रेसिंग सर्व ऑन द सैलड टू मेक इट गुड टेस्ट एक्चुअली टू एनहांस द टेस्ट। Mustard vinegar. And this one? This is the garlic mayo. Garlic mayo. तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो सैलड यहाँ पे आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। रायता है, कर्ड वगैरह सेशन ये आ गया, तो सर ये जितने भी कर्ड है ये अपने हिसाब से जो है उसको आपको कस्टमाइज करा सकते हैं। एक्चुअली सपोज यू आर द गेस्ट, तो आप यहाँ पे जो भी आपका एज पर योर चॉइस यू कैन मिक्स एंड यू कैन मेक योर ओन रायता। ओके तो ये जो सैलेड है ये सैलेड का सर विल स्टार्ट विथ मिक्स स्प्राउट सैलड, ओके, देन मशरूम सैलड, देन ओरिएंटल ग्लास नूडल सैलड, सो दिस इज आई थिंक इट्स अ न्यू फॉर जम्मू पीपल या हमारे लिए जो है। मैं फर्स्ट टाइम मैं भी आई है, फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ ग्लास नूडल सैलड, फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ ओरिएंटल सैलड, मैंने कभी नहीं खाया और देखने में कुछ नया दिख रहा है। मैं इसको पक्का ट्राई करूँगा, आपको पक्का बताऊँगा क्या इसका सैलड टेस्ट था।
और ये सैलड कौन सा, ये भी कुछ नया दिख रहा है मुझे ना, कुछ सैलड है, कुछ सैलड है, दिस इज आल्सो ओरिएंटल सैलड, ओरिएंटल सैलड। तो ये वेज सैलड थे, तो अमित जी यहाँ पे नॉन वेज के लिए भी सैलड मिल जाएंगे? हाँ बिल्कुल है, हमारे पास नॉन वेज में फीस ऑप्शन है, एक ऑप्शन है चिकन ऑप्शन है, मुझे लग रही है नॉन वेज इसका है ना। तो ये है नॉन वेज सैलड का जितना भी है, तो यहाँ पे आप देखिए हर जगह आपको ना एक चीज़ सबसे अच्छी लगेगी, अब यहाँ पे आओगे हर जगह आपको लेबल मिल जाएगा कि आपको लेबल के हिसाब से आपको यहाँ पे मेंशन हो जाएगा कि वो सैलड में क्या क्या है। ये एग लेटर सैलड है, ये फिश विद ग्रिल वेजिटेबल सैलड है, ये चिकन हवाइन सैलड है, ये देखिए हर जगह लेबल है। अभी जी हमने सैलड तो देख लिया, मेन कोर्स भी देख लिया, स्टार्टर देख लिया, सूप भी देख लिया, अब स्वीट्स में क्या क्या है? ये देखिए कितना एलैबोरेट केक से बनाया हुआ है। तो मैं आपको हल्का सा ओवरव्यू दे देता हूँ जो मुझे यहाँ दिख रहा है। कीवी केक है, ये बनाना बार है, रेड वेलवेट पेस्ट्री है, लेमन पाई, चॉकलेट फज, ये सारा ना चेरी कोकोनट, वाइट फॉरेस्ट, ये सारा यहाँ मिल जाएगा, हनी बेजल केक। और यहाँ पे दो पार्ट की है, एक हमारा हलवाई और एक बेकरी, बेकरी पार्ट उधर है, हलवाई पार्ट इधर। यार देखिए सर ने हमें बताया जैसे यहाँ पे दो पार्ट है, एक हलवाई पार्ट और एक बेकरी पार्ट है, कितना अच्छा लगता है जब आप रेडिसन में आते हो और आपको हलवाई पार्ट मिल रहा है, सुनने को मिल रहा है, एक फाइव स्टार होटल पे आके हलवाई वाला एक सुनने को मिला, बहुत मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो हलवाई में हमने सारी बेकरी पार्ट देख लिया, हलवाई में क्या क्या ऐसा है कि जो आप देसी टच जो कह सकते हो, जो हलवाई वाला जो फील है वो यहाँ पे जो आ रहे हैं कपड़े को मिल पाएगा। चमचम मलाई चमचम राजभोग भी हो रहा है, तो विशेष कर हमारा सिर्फ यहाँ से कलकत्ता का है, तो आपको तो पता ही है कि स्वीट मीन्स रसगुल्ला कलकत्ता, तो सेम चीज़ जो है यहाँ पे स्वीट का, स्वीट खाओ तो लगता है कि कलकत्ता का फ्लेवर है। तो ये देखिए व्यू, कितने प्रकार की स्वीट्स हैं, और जैसे ही सर ने हमें बताया है कि जो यहाँ का शेफ़ है वो भी कलकत्ता से है, कोलकाता से, कोलकाता की जो स्वीट्स है जो मानी जाती है स्पेशली रसगुल्ला, रसगुल्ला जो है कलकत्ता का गुड़ का कलाकंद, ये देखिए। तो ये अमित जी ने हमें बताया कि अगर आप यहाँ पे आते हो अगर आपको कलकत्ता का मज़ा लेना है, मिठाई पीना, तो ये जगह आपके लिए है। और उसके बाद जैसे किड लवर्स है बड़े सारे, वैसा होता है कि अगर हेल्थ कॉन्शियस है, ये चीज़ मुझे देख के थोड़ा लगा। तो अमित जी बता दी क्या क्या है ये? ये बीटरूट हलवा है, और ये बीटरूट हलवा है, और ये आपका पुडिंग से ब्रेड पुडिंग, क्योंकि आज का थीम आपको पहले ही बताया कि रोमांटिक थीम है, तो कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से हम लोग बीटरूट की हलवा दे रहे हैं इसमें। तो मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग लगा है यहाँ पे कि ये क्या है? ये है सर, आपने देखे होंगे कि कलकत्ता का जो स्वीट डिश है रसगुल्ला एंड ऑल, तो उसको कंपैरिजन करते हुए हम लोग यहाँ पे हैदराबादी से बिरयानी और लखनऊ से आउदी बिरयानी, सो दो टू टाइप्स ऑफ बिरयानी यू डू हैव। आप लोग अगर ऐसे अलाकाट ऑर्डर देना चाहोगे तो ऑथेंटिक जो हैदराबाद का जो टेस्ट आपको बिना हैदराबाद जाए हुए यहाँ पे आपको मिलेगा, सेम लाइक आउदी बिरयानी ऑल्सो। तो ये इसके प्राइजेस है? हाँ प्राइजेस अगर आप यहाँ पे आते हो तो ऐसे ही आपको मिल जाएगा जैसा मैंने बताया। तो ये ऐसे देख सकते हो हमारा स्टार्टर है, यहाँ पर टेबल्स हैं बोलते हैं, तो हमने ऑर्डर कर दिया, ऑलमोस्ट सब कुछ आ गया हुआ है। सबसे पहले हम ट्राई करेंगे यहाँ का स्पेशल ड्रिंक, तो यहाँ वेलकम ड्रिंक कह सकते हो, लेमन वाटर। इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है यार, लेमन वाटर मैंने इससे अच्छा नहीं पिया आज तक। और ये है सूप, जल्दी जल्दी करेंगे, बहुत सारी वैरायटी है। ये चिकन सूप है, हल्का सा स्वीट है, जिसको मसाले में ना पसंद ज़्यादा, ये स्वीट उनके लिए है, सूप उनके लिए है जिनको ज़्यादा स्पाइसी नहीं पसंद, ज़्यादा मसाले ना हो, ये सूप उनके लिए है, बहुत लाइट है सूप। यार जो सबसे यहाँ पे मज़ेदार बात है ना वो है यहाँ की थीम, ये देखिए यार टेबल में रोज़ पैटर्न, यहाँ ना अगर आपने लेफ्ट हैंड से साथ आते हो ना तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, अगर आपने अपने लेफ्ट हैंड अपने पार्टनर से यहाँ पे आते हो ना, आपकी रात यहाँ पे बेस्ट होने वाली है, बता सकते हो कितनी अच्छी यहाँ पे
डेकोरेशन के लिए इतना अच्छा यहाँ का माहौल है, इतना अच्छा यहाँ की स्पाइस है, मज़ेदार। तो ये बेस्ट स्टार्टर है, ये है लेमन चिकन, लेमन पनीर कह रहा हूँ, लेमन पनीर। टेस्ट करते हैं इसका टेस्ट कैसा है। ऑथेंटिक लेमन पनीर वाला फ्लेवर है इसका, जैसे लेमन चिकन में मोस्ट खाया वैसा ही फ्लेवर है इसका, बस ये पनीर है वो चिकन होता है, बट ऑथेंटिक फ्लेवर है, बहुत अच्छे फ्लेवर आ रहे हैं। और ये है, ये हेल्दी में आ गया आपको, काइंड ऑफ ये कबाब टाइप है। इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा है, इसके अंदर ना हल्का हल्का क्रंच आ रहा है, हल्का हल्का कबाब का जो फ्लेवर्स है ना वो काफ़ी अच्छे आ रहे हैं इसमें। वेज था, वेज कबाब है। आप आते हैं नॉन वेज पे, ये देखिए, ये है चिकन पेपरिका, इसके फ्लेवर काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, बड़े बैलेंस जो कहते हैं ना। एक जो खासियत यहाँ पे मैं अभी तक स्टार्टिंग में एंजॉय किए, जितने मैंने सूप वगैरह पिया, सूप पिए या जितना खाया, हर एक ना फ्लेवर्स, हर एक के जो मसाले बहुत बैलेंस्ड है, ईजिली डाइजेस्ट हो सकते हैं और बहुत अच्छे आ रहे हैं। इनफैक्ट ना बैलेंस के साथ साथ बहुत अच्छा फ्लेवर्स आ रहे हैं। तो ये है कबाब, ये चिकन कबाब काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं यार, ये एक बार ट्राई करना पड़ता है। ये कबाब चिकन, सॉरी मटन कबाब है, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, ये बहुत मुझे पसंद आए। तो ये था ये। अब यार मैं सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो मुझे यहाँ लग रहा था ना, ये सैलेड था, ये देखिए सैलेड मैंने आपको बताया था, फर्स्ट टाइम मैंने देखा है, ये फर्स्ट टाइम ट्राई करने जा रहा हूँ। सैलेड है कौन सा, ये स्पाइसी है, प्लस जो ये जो चाउमीन है न्यूडल, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ ये क्या है, बट जो भी है ना इसका फ्लेवर्स काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। एक ना इनमें बाइट है, जब इस जब अभी ये खाते हो ना, हल्का ना इनको आपको बाइट करने में मज़ा आएगा, बाइट का फ्लेवर आ रहा है, जब बाइट करो उसका फ्लेवर आपके मुंह में आ रहे हैं, बड़े अच्छे से आ रहे हैं। ये सैलड अगर आप कभी रेडिसन में आते हो तो रेडिसन में अगर कभी गोफर में ये सैलड आपको मिलेगा तो सैलड पक्का ट्राई करना है, सैलड काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो अब आते हैं अपने मेन कोर्स पे। तो फ्रेंड्स ये है मेरा मेन कोर्स, मैंने लिया था यहाँ पे तंदूरी जखनी और ये खड़े मसाले मटन, और ये है फ्राइड राइस, वेज फ्राइड राइस, और ये है राइस। तो अब करते हैं टेस्ट, ये तंदूरी जखनी लेते हैं सबसे पहले। मेरी नंदूरी चटनी खा रहा हूँ, इतना ऑथेंटिक फ्लेवर है यार, इतना ऑथेंटिक फ्लेवर है ये, मतलब कि इसने तो ऐसे मुझे ऐसे हैरान परेशान कर दिया कि इतने ऑथेंटिक फ्लेवर कश्मीर वाला, मज़ेदार यार। तो अब ये ट्राई करते हैं सिर्फ फ्राइड राइस, फ्राइड राइस का फ्लेवर ही काफ़ी ज़्यादा अच्छा आ रहा है, फ्राइड राइस काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे। अब ये टेस्ट करते हैं यार नॉर्मल राइस के साथ ना, ये मटन है, ये जो मटन में ना खड़े मसालों का फ्लेवर आ रहा ना वो इतना अच्छा आ रहा है यार, मज़ेदार। ये आ गई मेरी तंदूरी रोटी, ये करते हैं मटन टेस्ट। ये मटन देखिए कितना सॉफ्ट है यार, ये
खड़े मसाले मटन इतना यमी है ना, इतना है यमी है यार। मैं तो मतलब मैं और खाऊंगा, मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया खड़े मसाले का ये मटन है। इनफैक्ट मेन कोर्स स्नैक्स सैलेड सब कुछ काफ़ी अच्छा था। और अब ट्राई करते हैं यहाँ का लाइफ स्टाइल में जो लाइफ स्टाइल मिलता है, लाइफ स्टाइल जो बोलते हैं वो है फ्रेंड्स, ये आ गया आपका स्ट्रीट फूड वाला कुलचा। ये देखिए चने हैं इसके अंदर, ये कुलचा है। अब ये ट्राई करते हैं। कुलचा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, मतलब जो चने का फ्लेवर है ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मैं दिल्ली स्टाइल कुलचा जम्मू में ये रेडिसन में बहुत अच्छा है। ये बुफे यार ओवरऑल बुफे मुझे काफ़ी पसंद आया। ये बुफे जितना भी खाया आप मीठा हो जाए थोड़ा सा। ये है मीठे में रेड वेलवेट पेस्ट्री, ये टेस्ट करते हैं देखते हैं क्या है ये। जो मावा केक टाइप होता है ना ये वैसा फ्लेवर है इसका। ये टेस्ट करते हैं ये क्या है, ये कुछ कोकोनट लग रहा है मुझे। ये कोकोनट पुडिंग टाइप है ये था यहाँ पे। ये आप ये आ गया हमारा हलवाई स्टाइल, ये देखिए। ये बता दूं उन्होंने बताया कि जो हलवाई स्टाइल जितनी मिठाई है यहाँ का जो मिठाई वाला शेफ़ है ये सारा वो कोलकाता का है, कोलकाता का शेफ़ है, तो कोलकाता की जो मिठाई का फ्लेवर है सारा वही आएगा आपको। मेवे का और जो खोए का और जो चॉकलेट का जो फ्लेवर आ रहा है वो काफ़ी अच्छा आ रहा है बेसिकली ना। और ये है गुड़ वाला समथिंग कुछ साथ का नाम हुई है, अब याद नहीं रहा। टेस्ट करते हैं, अगर आपको मीठे से परहेज आना, अगर आपको शुगर है या डायबिटीज़ है या मीठा नहीं पसंद ज़्यादा, तो ये गुड़ वाला आपके लिए बना हुआ है। इसका फ्लेवर, इसका टेस्ट मीठा काफ़ी बैलेंस और काफ़ी अच्छा है, गुड़ का फ्लेवर काफ़ी अच्छा आ रहा है। तो अब ट्राई करते हैं ये फिंडी, ये देखिए यार। देख सकते हो मैंने एक बाइट ली, मेरे से रहा नहीं गया। ये फिंडी का फ्लेवर इतना ज़्यादा अच्छा है, इतना ऑथेंटिक है। इसमें जो ड्राई फ्रूट का जो फ्लेवर आ रहा, नट्स का जो फ्लेवर आ रहा है काफ़ी अच्छा आ रहा है, प्लस जो केसर का आ रहा वो भी काफ़ी अच्छा आ रहा है ये फिंडी थी। तो ये रहा लास्ट में बीट रूट वाला हलवा, ये फर्स्ट टाइम ट्राई करूँगा मैं बीट रूट वाला हलवा। हलवा जो होता है ना काफ़ी ज़्यादा उससे मिलता जुलता हलवा ही है, बट इसके हेल्थ प्रॉपर्टीज हेल्थ बेनिफिट बहुत ज़्यादा बीटरूट के, कैरेट के बहुत ज़्यादा होते हैं गाजर के, बट बीटरूट के बहुत अच्छे हैं। बट नहीं, अगर आपको बीटरूट हलवा खाना हो ये भी सबसे बेस्ट है। तो ये था सारा मेरा यहाँ का बुफे जो मैंने यहाँ पे टेस्ट किया, जो यहाँ पे मैंने खाया है, और ओवरऑल यहाँ का एक्सपीरियंस रहा मेरा यहाँ पे आज खाने का वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा। यहाँ पे पर पर्सन जो बुफे है वो प्राइस है 1399
1399 का ऑलमोस्ट 1400 का ये पूरा बुफे है पर पर्सन पर जिस हिसाब से यहाँ पे वराइटीज है और जिस हिसाब से यहाँ का माहौल है, जिस हिसाब से यहाँ का एम्बियंस है ना, स्पेशली यार अपने लव वर्ड के लिए, अपने पार्टनर के लिए इन्होंने डेडिकेटेड यहाँ की थीम रखी हुई है। और वाकई में यहाँ का माहौल वैसा है कि आप आके अपने आप अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा खुश कर सकते हो, बहुत ज़्यादा सरप्राइज कर सकते हो। मैं इंडोर बैठा था, बाहर आप लोगों ने बताया कि जैसे कैटर का डिनर का पूरा कैसा सिस्टम था। तो चलिए फ्रेंड, मैं अपना ये बुफे एंजॉय करता हूँ। आप तब तक मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।